अब मिश्र बिन का एक सही एक बटा तीन प्लस दो सही एक बटा पांच, इसको बोलते हैं मिश्र बिन। एक तो पूरा है, आगे वाले का एक बटा तीन भाग है, ये दो पूरा है, इसको पढ़ेंगे क्या? दो सही एक बटा पांच, इसको क्या पढ़ेंगे? एक सही एक बटा तीन। अब देखिए मिश्र बिन है, इसको अनुचित बदलेंगे, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, उसके गुणा में ये जुड़ जाएगा। तीन का पढ़ा एक बार बोलो, तीन एक कम तीन में एक जोड़ो चार, चार बटा तीन हो गया ना, ये ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, कौन सी बिन हो गई? अनुचित बिन। कौन सी? अनुचित बिन। प्लस दो, पांच का पढ़ा दो बार बोलो, पांच दो दस है ग्यारह, ग्यारह बटे पांच हो गया ना। अब अपने को तो नीचे नीचे वाला मिलाना है, है? अब अपने चार बटा तीन की भी तुल्य बिन लिख लो, ग्यारह बटा पांच की भी तुल्य बिन है, जिसकी छोटी संख्या उसकी पहले लिखो, एक दो तीन चार पांच, एक चौक चौक दो चौक आठ, तीन चौक बारह, चार चौका सोलह, पांच चौका बीस, छह चौका एक की होती हो, दो तिया छह, तीन तिया नौ, चार तिया बारह, पांच तिया पंद्रह, छह तिया, अब पांच का फिर लिख लू, ग्यारह एकम ग्यारह, ग्यारह दुना बाईस, ग्यारह तीन तेतीस, ग्यारह चौका चौवालीस, ग्यारह पंजा एक, पंज पंजो दो, पंज दस, तीन पंज पंद्रह, चार पंजा बीस, पंजोड़ी, ये देखो पंद्रह आ गया, इसमें भी पंद्रह है ना, किस किस को जोड़ेंगे? बीस बटे पंद्रह और तैतीस बटे जोड़ेंगे ना। अब बीस बटा पंद्रह किसका लिखेंगे? चार बटा तीन की जगह लिखेंगे, बीस बटे पंद्रह लिखेंगे ना। अब ग्यारह बटे पांच है, उसकी जगह क्या लिखेंगे? तैतीस बटे पंद्रह, ये लिखेंगे। अब पंद्रह के पंद्रह, पंद्रह के पंद्रह, बीस पैंतीस लिख दिया, तैतीस करो, ठीक है, तैतीस हो गए। पंद्रह का पंद्रह बीस एकम बीस, पंद्रह का पंद्रह तैतीस एकम तैतीस, तीन तीन का तीन, तीन और दो पांच बटे पंद्रह हो गए, नहीं हो गए। अब देखिए आगे वाला अपना, दो सही एक बटा चार प्लस एक सही एक बटा आठ। अब ये मिश्र बिन है, पहले इसको अनुचित बदलें, चार दूनी आठ, यानी चार को दो से गुणा करेंगे, चार का पाड़ा दो बार बोलेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, चार का पाड़ा बोलो, एक चौक चौक दो चौक आठ, आठ में एक जोड़ दो, नौ बटे चार प्लस आठ है, आठ को इससे गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे, आठ का पाड़ा एक बार बोलो, आठ एकम आठ, आठ में एक जोड़ो, नौ बटे आठ। अपने को ऊपर वाला नहीं मिलाना है, ऊपर वाला तो मिल गया इसका, अपने को नीचे वाला मिलाना है, अपने को नीचे वाला। अब दोनों की तुल्य बिन लिखो, नौ बटा चार और नौ बटा आठ की, जिसका हर छोटा है उसकी पहले लिख लो, एक निम निम दो निम अठारह तीन निम, एक चौक चौक दो चौक आठ तीन चौका, ये देखो इसमें भी आठ है इसमें भी, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। अब नौ बटा चार की जगह कितना लिखेंगे? अठारह बटे आठ, और ये तो नौ बटा आठ ही है, आठ एकम आठ, अठारह एकम अठारह, आठ एकम आठ, नौ एकम नौ, अठारह और नौ सत्ताईस बटे आठ हो गया। अब चलते हैं अपने, दो सही एक बटा पांच प्लस दो सही एक बटा दस। अब ये मिश्र बिन है, पांच का पाड़ा दो बार बोलो, पांच दूनी दस, दस में एक जोड़ो ग्यारह, ग्यारह बटे पांच प्लस दस दूना बीस एक इक्कीस बटा दस। अब दोनों की तुल्य बिन लिखो, ग्यारह बटा पांच की लिखो, इक्कीस बटा दस की, जिसका हर छोटा है उसकी पहले लिख लो, ग्यारह एकम ग्यारह, ग्यारह दो बाई ग्यारह किया एक, पांच पांच दो पांच दस, तीन पंजा, ये देखो दस आ गया इसमें, इसमें भी दस है ना, किस किस को जोड़ेंगे? बाईस बटा दस और इक्कीस बटा किस किस गए? ग्यारह बटा पांच की जगह क्या लिखेंगे? बाईस बटे दस, और ये तो इक्कीस बटा दस है ही, दस का दस और दस एकम दस बाईस एकम बाईस, दस एकम इक्कीस एकम इक्कीस, बाईस इक्कीस कितने हो गए? तैयारीस बटा दस। ये कौन सी बिन है? ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, अनुचित बिन है, कौन सा है? यानी अंश बड़ा है हर है छोटा है। आगे चलते हैं अपने, एक सही एक बटा तीन प्लस एक सही एक बटा चार। तीन एकम तीन और एक है चार बटा तीन, चार एकम चार, चार एक पांच बटा चार, एक बटा सॉरी चार बटा तीन और पांच बटा चार,
पहले इसकी तुल्य भी लिख लेता हूं मैं, तीन चार, एक चौक चौक, दो चौक आठ, तीन चौक बारह, चार चौका सोलह, एक तीन तीन, दो तीन छह, तीन तीन नौ, चार तीन बारह, इसकी भी लिख लो, एक पांच पांच, दो पांच दस, तीन पांच पंद्रह, चार पंच बीस, एक चौक चौक, दो चौका आठ, तीन चौका बारह, चार चौका, यहां देखो बारह आ गया, यहां भी बारह आ गया ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी चार बटा तीन की जगह क्या लिखेंगे, चार बटा तीन की जगह लिखेंगे सोलह बटे बारह लिखेंगे ना, और पांच बटा चार की जगह क्या लिखेंगे, पंद्रह बटे बारह। अब दोनों नीचे बारह आया, बारह एकम बारह, सोलह एकम सोलह, बारह एकम बारह, पंद्रह एकम पंद्रह, सोलह और पंद्रह होते हैं इकतीस बटे बारह, इकतीस बटे बारह, इस प्रकार से करोगे, ठीक है।